हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय तड़का विद रीना। मैं हूँ रीना और आज आपके लिए लेके आई हूँ पास्ते की बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, जिसमें ना कि पास्ता सॉस का यूज़ किया है और ना ही कोई स्पेशल चीज़ का यूज़ किया, बस घर में अवेलेबल चीज़ से ही ये स्वादिष्ट सा पास्ता बनके तैयार हो जाता है दोस्तों। तो इसके लिए मैंने 1 लीटर पानी को अच्छे से गर्म कर लिया एक बड़े बर्तन में। इसमें डाला 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच यहाँ पे मैं तेल के डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे 2 कप पास्ता, जो भी आपका फेवरेट हो। मैंने यहाँ पे ट्विस्ट वाला पास्ता डाला है जो आपका फेवरेट हो रखे, और 2 से 4 मिनट तक इसको पकाएंगे। और जब तक ये पकता है मैजिक तड़का विद रीना को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और साथ में जो ऑल का एक नोटिफिकेशन का बेल होगा ना उसको भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक आ जाए दोस्तों। तो अब देखिए, ये पास्ता उबल चुका है तो उसको पानी से अलग करके मैंने ठंडे पानी से धो लिया है। और ये देखिए कितना खिलखिला पास्ता होगा, क्योंकि मैंने इसको ठंडे पानी से धोया है तो उसका जितना भी स्टार्च है वो सारा हट चुका है और खिलखिला पास्ता तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम लेंगे तेल, तेल में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, क्योंकि इसका ही असली फ्लेवर होता है दोस्तों। और इसको होने देंगे गोल्डन, जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन होगा तो इसमें डालेंगे 2 बड़े प्याज कटे हुए, इसमें हम डाल के फ्राई करेंगे, इसको भी गोल्डन फ्राई करेंगे, ज़्यादा ब्राउन हम नहीं करेंगे। और इसमें डालेंगे 1 बड़ा शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, यानी बारीक नहीं मोटी मोटी काटी है मैंने, तो जो भी आपकी फेवरेट सब्जी हो, गाजर मटर और जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च था इसलिए मैंने शिमला मिर्च डाला। और इसमें डाला 2 बड़े टमाटरों का पेस्ट और साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। और ध्यान रखिएगा क्योंकि पास्ते में भी नमक डाला था। अब 1 चम्मच मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालूंगी, 4 बड़े चम्मच मैं टमाटो केचप डालूंगी इसमें बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर के लिए। देखिए कितना बड़ा बेस जो है हमारे पास्ते का बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है मिक्स हर्ब डाली है और थोड़ी सी मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली है 1/2 चम्मच के करीब, और गरम मसाला डाला है 1/2 चम्मच। इसको कर लेंगे मिक्स और बिल्कुल बढ़िया सा फ्लेवर जो है इसमें बन जाएगा दोस्तों। अब इसमें ऐड कर देंगे हमारे बॉइल्ड पास्ता, इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से इसको। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और हरा धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे और पुदीने के पत्ते भी इसमें ऐड करेंगे और इसको कर देंगे मिक्स। और ये देखिए बिना पास्ता सॉस के भी कितना बढ़िया पास्ता हमारा बनके तैयार हुआ है। और ये देखिए तैयार है हमारा डिलीशियस पास्ता, बिल्कुल घर में अवेलेबल चीज़ों से ये बना हुआ है। अब इसको मैं प्लेटिंग कर देती हूँ और देखिए किसी रेस्टोरेंट से कम लग रहा है क्या ये पास्ता? खाने में तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंड। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा चीज़ अवॉइड करती हूँ इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाला है। आप चाहें तो उसमें चीज़ की टॉपिंग ऊपर से डाल सकते हैं और एंजॉय करें ये टेस्टी सा पास्ता। और मैजिक तड़का विद रीना को इसी तरह से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।